अस्सलामुअलैकुम नाजिन, मैं हूं किरण हान और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। आए नजर डालते हैं आज की ताजातरीन खबरों की जानिब। कनाडा गो ट्रांजिट दूसरी कंपनी की बसों का इस्तेमाल करेगा। गो ट्रांजिट इस हफ्ते के आखिर में एक प्राइवेट बस कंपनी की मदद हासिल करेगा, क्योंकि इसके दर्जनों गैर वैक्सीन शुदा कारकुनों के बिला मुआवजा छुट्टी पर जाने के नतीजे में होने वाले नुकसान से निपटने के लिए इसे ऐसा करना पड़ेगा। इलाकाई ट्रांजिट फ्राहिम कुंदा ने ऐलान किया है कि वो कोच कनाडा बसों का इस्तेमाल करेगा ताकि मुसाफरों को गुलवर्ड गो और पकड़िंग स्टेशनों के दरमियान सर्विस फ्राहम की जा सके, जबकि ट्रैक का काम लक्ष्मण ईस्ट लाइन के एक हिस्से के साथ मुकम्मल होगा। जर्मनी में कोरोना केसेस की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। जर्मनी में कोरोना वायरस केसेस की तादाद में रिकॉर्ड हद तक इजाफा देखने में आया है। गैर मुल्की खबर सांतारे के मुताबिक जर्मनी में कोरोना वायरस केसेस की यौमे तादाद में रिकॉर्ड हद तक इजाफा देखने में आया है। अदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 37,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आए, जबकि 150 से ज़ायद अफराद इंतकाल कर गए। दुनिया भर में कोविड-19 केसेस की तादाद 24,91,00,000 से तजावुज़ कर गई। दुनिया भर में नोवल कोरोना वायरस के मुसद्दिका केसेस की तादाद 24,91,34,481 हो गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मरकज़ बराए सिस्टम साइंस और इंजीनियरिंग की जानिब से जारी किए जाने वाले अदाद व शुमार के मुताबिक अमरीका 4,64,35,967 मुसद्दिका केसेस के साथ शदीद मुतासरा ममालिक में बदस्तूर सैर फहरिस्त है। अमरीकी अमान नुमाइंदगान ने कई माह ताहीर के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बिल की मंजूरी दे दी। अमरीकी अमान नुमाइंदगान ने 10 अरब अमरीकी डॉलर मालियत के दो तरफा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल की मंजूरी दे दी है। सामाजिक खर्चात के पैकेज पर डेमोक्रेट्स के माबैन तनाज़े के बायस बिल कई माह ताहीर का शिकार हो गया। मंजूरी के बाद तवील मुद्दत से ज़ैर-ए-दवा कानून को दस्तखत के लिए सदर जो बाइडन को भेज दिया गया है। ऐवान ज़रीए में बिल को 206 के मुकाबले में 228 वोटों से मंजूर किया गया। 13 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स की हिमायत की। 6 तरक्की पसंद डेमोक्रेट्स ने बिल के खिलाफ वोट दिया। तो है कि जो बाइडन अपनी इंतजामिया की जानिब से अहम तरजीह समझे जाने वाले बिल पर दस्तखत करेंगे। बैंकॉक का मशहूर तफरीही मुकाम ग्रैंड पैलेस सयाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया। नोवल कोरोना वायरस के बाद कई माह तक बंद रहने के बाद बैंकॉक के मशहूर तफरीही मुकाम ग्रैंड पैलेस को वबाई अमराज पर काबू पाने के कवायद पर अमल करने की शर्त पर सयाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। आर्मी वबा के बायस अपनी तबाह हाल माशियत को बहाल करने के लिए कोशिशों के दौरान थाईलैंड ने 60 से ज़ायद ममालिक और हितों से आने वाले वैक्सीन शुदा सयाहों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दी। सजाए मौत के कैदियों को फांसी का दुरुस्त वक्त ना बताने पर हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जापान में सजाए मौत के दो कैदियों ने पहले से फांसी का दुरुस्त वक्त ना बताने पर हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। ज़राए अबलाग के मुताबिक जापान में सजाए मौत के हवाले से ऐसा निज़ाम है जिसके तहत कैदियों को सजाए मौत के बारे में सिर्फ कुछ घंटे कबल बताया जाता है। दोनों कैदियों ने इस अमल को चैलेंज करते हुए कहा है कि मौजूदा निज़ाम गैर कानूनी है। उन्होंने इस तरीक़ाकार को कैदियों के लिए ज़हनी अज़ियत का बायस करार दिया। एथोपिया में सऊदी सिफारतखाने की सऊदी शहरियों को जल्द अज़ जल्द एथोपिया छोड़ने की हिदायत। मशरिकी अफ्रीकी मुल्क एथोपिया में सऊदी सिफारतखाने ने सऊदी शहरियों को जल्द अज़ जल्द एथोपिया छोड़ने की हिदायत कर दी है। सऊदी ज़राए अबलाग के मुताबिक एथोपिया में सऊदी सिफारतखाने एथोपिया में मौजूद तमाम सऊदी शहरियों से कहा है कि वो मुहतात रहें और किसी भी हंगामी सूरत हाल पर सिफारतखाने से फौरी राबता करें। याद रहे कि इससे कबल एथोपिया में अमरीकी सिफारतखाने ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि अमरीकी शहरी जल्द अज जल्द मुल्क छोड़ दें। देसी टीवी यूएसए से अब तक लेता ही मजीद बाहर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए, या फिर विजिट करें हमारी वेबसाइट www.desitvusa.com और क्लिक करें हमारे लिंक ट्री और सोशल मीडिया की लाह महदूद दुनिया को देखिए। अल्लाह हाफिज़।